मिर्जापुर में नए साल में कोरोना से राहत मिलने की उम्मीद है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। धीरे धीरे टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी पहुंच रहे हैं। अब तक जनपद को कोरोना टीकाकरण के लिए 2,40,000 सिरिंज पहुंच चुके हैं। इन सिरिंज की सप्लाई भी जनपद के CHC और PHC अस्पतालों में कर दी गई है। बता दें कि कोरोना के टीकाकरण के लिए कुल 19 सेंटर और 40 बूथ बनाए गए हैं जहां पर कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। जिले में कुल 4 चरणों में टीकाकरण का कार्य होना है, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 10,131 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके लिए पहले से ही इस सभी कर्मचारियों की सूची बनाकर महकमे को भेज दिया गया है। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार की तरफ से पूरी चिंता थी और उसके लिए पूरे प्लान बनाए गए। उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग भी दिया गया और हर लेवल पर ट्रेनिंग दिया गया। स्टेट से डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिला, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक को मिला, ब्लॉक से ब्लॉक के कर्मचारियों को मिला। तो उस ट्रेनिंग के हिसाब से हमारे सब लोग तैयारी पूरी हो चुकी है और तो उस तैयारी में हमारे साइट भी बना लिए गए हैं, बूथ बना लिए गए हैं, वैक्सीनेटर हमारे ट्रेंड हो चुके हैं, उनकी लिस्ट भी बन चुकी है और सिरिंज हमारे आ चुके हैं। खाली वैक्सीन आने की देरी है। सिरिंज कितने आए हैं अभी तक और सिरिंजों को डिस्ट्रीब्यूट करें? सिरिंज 2,40,000 के आसपास आए हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी मंगाएंगे। तो सिरिंज को डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या सिस्टम आपने बनाया है कि सिरिंज CHC तक पहुँचे, क्या है उसको? देखिए, सिरिंज में कोई कोल्ड चेन मेंटेन करने की कोई झंझट तो होती नहीं। सिरिंज को तो कहीं भी रख करके कहीं भी उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जो हमारा सिरिंज डिपो से आया, कुछ तो डायरेक्ट उसको PHC CHC पर भिजवा दिया गया जो उस रास्ते में नज़दीक पर थे, और कुछ को अपना यहाँ स्टोर कर लिया गया है, उसको भी भिजवा दिया जाएगा। अगर इसके साथ ही टीकाकरण की निगरानी के लिए सख्त व्यवस्था की गई है। वैक्सीन को रखने के लिए अलग से जिला स्वास्थ्य कार्यालय में ही भवन का निर्माण चल रहा है। वहीं इसी कार्यालय में बने कोल्ड स्टोर में भी कोरोना वैक्सीन रखने के लिए व्यवस्था की गई है। पंजाब केसरी TV के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।